हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिकल रेंज ऑफ लाइट क्या होता क्या है, लुमिनल रेंज ऑफ लाइट होता क्या है, ल्यूमिनस रेंज ऑफ लाइट होता क्या है, और ये सारे रेंज के ऊपर आपका राइजिंग एंड डिपिंग ऑफ लाइट कैसे डिपेंड है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो चलो आज के लेक्चर के लिए चालू करते हैं। दोस्तों, नॉमिनल रेंज जो होता है, नॉमिनल रेंज मतलब जो रेंज, जो लाइट हाउस की रेंज, लाइट की रेंज जो आपके चार्ट में दी है। चार्ट में कैसे लिखा होता है, जैसे कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस के आगे लिखा है फ्लैशिंग, FL मतलब फ्लैशिंग, फ्लैशिंग एवरी 2 सेकेंड, 14 m मतलब मीटर, 14 मीटर ये लाइट हाउस की रेंज है, सॉरी 14 मीटर ये लाइट हाउस की हाइट है। ठीक है, फर्स्ट दिया होगा हाइट और उसके बाद में दिया होगा रेंज, ये दोनों ही mm है। जो स्मॉल m रहेगा, स्मॉल m मतलब लाइट हाउस की हाइट, 14 मीटर लाइट हाउस की हाइट है, और 12 m मतलब 12 माइल लाइट हाउस की रेंज है। रेंज कभी, ये 12 माइल इन्होंने कैसे मेजर किया, जब विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल है। ठीक है, विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल में अगर हम ये लाइट हाउस देखते हैं जिसकी हाइट 14 मीटर है, मैं स्टेटमेंट फिर से बोलता हूँ, 10 नॉटिकल माइल विजिबिलिटी में अगर आप ये लाइट हाउस जिसकी हाइट 14 मीटर है, अगर इस लाइट हाउस को देखते हैं, तो ये लाइट हाउस आपको 12 नॉटिकल माइल पे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, विजिबल रेंज इज 10 नॉटिकल माइल। जो आपके चार्ट में जो विजिबिलिटी दी है, जो आपके एडमिटेड लिस्ट ऑफ लाइट्स में जो लाइट्स की रेंज दी है, वो सारी रेंज नॉमिनल रेंजेस है। मतलब उन्होंने एक अजम किया हुआ है, एक अजम्पशन है, एक उन्होंने विजिबिलिटी का एक कांस्टेंट फिगर पकड़ा हुआ है कि आपकी विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल है। अगर आपकी विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल से ज़्यादा हुई तो आपको लाइट जल्दी दिखेगा, तो उस रेंज को हम कोई और रेंज बोलेंगे, उसे नॉमिनल रेंज नहीं बोलेंगे। नॉमिनल रेंज तभी बोलेंगे जब आपकी विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल है। ठीक है, 10 नॉटिकल माइल विजिबिलिटी में जब आपको लाइट दिखेगी तो वो होगी नॉमिनल रेंज। ठीक है, और ये सारी रेंज आपके चार्ट्स में और आपके एडमिरल्टी लिस्ट ऑफ लाइट्स में दी है। ठीक है, तो ये 12 नॉटिकल माइल जो रेंज है, दैट इज अ नॉमिनल रेंज। नॉमिनल रेंज किसे बोलते हैं, जब विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल रहेगी। ठीक है, विजिबल रेंज 10 नॉटिकल माइल, विजिबिलिटी इज 10 नॉटिकल माइल, इट इज गिवन ऑन अ चार्ट्स एंड एडमिटेड लिस्ट ऑफ लाइट्स में भी जो रेंज दी है वो नॉमिनल रेंजेस दी है। ठीक है, तो यहां पर जो 12 माइल्स है, 12 माइल इज अ नॉमिनल रेंज। अभी आपको और क्लियर करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे ल्यूमिनस रेंज। ठीक है, तो ल्यूमिनस रेंज होता क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस लाइट कैन बी सीन डिटरमाइंड बाय ब्राइटनेस एंड प्रेजेंट विजिबिलिटी। लेट्स से यहां पर इन्होंने 10 नॉटिकल माइल विजिबिलिटी लिया है। ठीक है, अगर आपकी विजिबिलिटी उस प्रेजेंट टाइम पे, अगर आपकी विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल से ज्यादा है, ठीक है, सपोज करो कि आपकी विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है, 20 नॉटिकल माइल अगर आपकी विजिबिलिटी है, तो आपको ये लाइट, जो लाइट है, जो 14 मीटर का लाइट है, वो आपको जल्दी दिखेगा। ठीक है, आपको यहां पर क्या बोला है, जब आपकी विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल रहेगी तो आपको ये लाइट 12 माइल्स पे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है, अभी आपकी विजिबिलिटी ज्यादा है, 10 नॉटिकल माइल से ज्यादा विजिबिलिटी है, तो आपको ये लाइट 12 माइल्स के पहले ही दिखेगा, मतलब 15 पे दिख सकता है, 16 पे दिख सकता है, 17 में भी दिख सकता है। करेक्ट, ठीक है, तो इसे बोलते हैं जब आपको लाइट आपके प्रेजेंट विजिबिलिटी में दिखना चालू हो जाता है, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस रेंज। ठीक है, तो ल्यूमिनस रेंज इज डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट एंड द प्रेजेंट विजिबिलिटी। अगर वो लाइट ज्यादा ब्राइट हो, अगर लाइट का ब्राइटनेस ज्यादा है और आपकी विजिबिलिटी ज्यादा है, तो आपको नॉमिनल रेंज के पहले ही वो लाइट दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपका ब्राइटनेस कम है और प्रेजेंट विजिबिलिटी 10 नॉटिकल माइल से कम है, तो आपका ल्यूमिनस रेंज नॉमिनल रेंज से कम होगा।
ठीक है। तो ल्यूमिनस रेंज कैन बी मोर देन नॉमिनल रेंज और कैन बी लेस देन नॉमिनल रेंज बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन अ प्रेजेंट विजिबिलिटी। नॉमिनल रेंज इज डिपेंड अपॉन द 10 नॉटिकल माइल विजिबिलिटी, ल्यूमिनस रेंज इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट विजिबिलिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है। अभी जो ल्यूमिनस रेंज है और ल्यूमिनस रेंज को आप कैसे मेजर करेंगे, अगर आप सेलिंग कर रहे हो और आपको एक लाइट का ल्यूमिनस रेंज फाइंड आउट करना है, आपको एक लाइट है उस लाइट का ल्यूमिनस रेंज आपको चाहिए। नॉर्मली हमें ल्यूमिनस रेंज ही चाहिए होता है, ल्यूमिनस रेंज एंड ज्योग्राफिकल रेंज, ठीक है। तो ल्यूमिनस रेंज मैं आपको पहले बताता हूँ, बाद में हम लोग ज्योग्राफिकल रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल रेंज का जो फिगर है 12 माइल वो तो आपको चार्ट में दिया है, आप डायरेक्टली चार्ट में पढ़ के देख सकते हो कि नॉमिनल रेंज कितना है, नॉमिनल रेंज को आपको मिल गया 12 माइल। लेकिन आपका विजिबिलिटी प्रेजेंट टाइम पे, अगर मैं वॉच पे हूँ प्रेजेंट टाइम पे मेरी विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है, ठीक है। तो 20 नॉटिकल माइल पे मुझे वो लाइट, अभी मेरी विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है तो मुझे वो लाइट दिखनी चाहिए जल्दी, ठीक है। तो वो मुझे ल्यूमिनस रेंज, कौन से रेंज पे वो लाइट दिखनी चाहिए, ये कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए ग्राफ दिया होगा आपके एडमिटी लिस्ट ऑफ लाइट्स में। जो एडमिटी लिस्ट ऑफ लाइट का जो पब्लिकेशन है, जो बुक है, वो बुक के अंदर एक ग्राफ रहेगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर इस एक्सेस पे ल्यूमिनस रेंज और इस एक्सेस पे नॉमिनल रेंज, और जो कर्व्स है वो कर्व्स विजिबिलिटी होते हैं, ठीक है। अभी मुझे मेरी प्रेजेंट विजिबिलिटी मालूम है, मेरी प्रेजेंट विजिबिलिटी है 20 नॉटिकल माइल, ठीक है, मेरी विजिबिलिटी है 20 नॉटिकल माइल, और ये जो लाइट था, जो सेम लाइट है जिस लाइट का नॉमिनल रेंज था 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो ये 12 नॉटिकल माइल हम लोग क्या करेंगे, इसका मुझे इसका ल्यूमिनस रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नॉमिनल रेंज आपको डायरेक्टली लाइट हाउस से मिल जाएगा, जो लाइट हाउस के बाजू में लिखा है 12 माइल्स आप देखो कहाँ पर है, 12 माइल्स यहाँ पर है। मेरी विजिबिलिटी का ग्राफ देखो, मेरी विजिबिलिटी का ग्राफ है 20 नॉटिकल माइल, मेरी विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो जो ग्राफ है, जो कर्व है वो कर्व के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालो, और जहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से आप वाई एक्सिस पे लाइन डालो, लाइन ड्रॉ करो। ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट आपका ल्यूमिनस रेंज है। ल्यूमिनस रेंज की फिगर्स आपको यहां पर दी होगी, 2 नॉटिकल माइल, 5 नॉटिकल माइल, 10 नॉटिकल माइल, 12, 14, 18, ठीक है, ऐसी दी होगी। तो आपका ल्यूमिनस रेंज इस कंडीशन में, जहां पर आपकी विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है, तो ल्यूमिनस रेंज आपका हो गया 18 नॉटिकल माइल, ठीक है। जहां पर आपकी नॉमिनल रेंज 12 माइल है, नॉमिनल रेंज 12 माइल है, विजिबिलिटी 20 नॉटिकल माइल है, तो आपका ल्यूमिनस रेंज रहेगा 18 नॉटिकल माइल। वो आपको कैसे मालूम होगा, वो ग्राफ में आप अगर प्लॉटिंग करोगे तो आपको इमीडिएटली ल्यूमिनस रेंज मिल जाएगा। ल्यूमिनस रेंज हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योग्राफिकल रेंज होता क्या है। ज्योग्राफिकल रेंज इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ लाइट एंड द हाइट ऑफ शिप, ठीक है। अभी इस केस में देखो, इस केस में क्या है कि ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है जिसका हाइट 14 मीटर है और रेंज नॉमिनल 12 नॉटिकल माइल है, और नॉमिनल रेंज भूल जाओ, इसका ल्यूमिनस रेंज, ल्यूमिनस रेंज मतलब प्रेजेंट विजिबिलिटी, प्रेजेंट विजिबिलिटी मेरी 20 नॉटिकल माइल है। 20 नॉटिकल माइल में मेरा ल्यूमिनस रेंज, मैंने अभी जो लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था वो आया था 18.0, ठीक है। तो 18 नॉटिकल माइल का इसका ल्यूमिनस रेंज है, ठीक है। तो अभी आप क्या सोचेंगे कि ल्यूमिनस रेंज अगर 18 नॉटिकल माइल है तो मुझे ये लाइट दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन डायग्राम से आपको क्या लग रहा है, ये जो डायग्राम है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो कर्वेचर है, अर्थ का जो कर्व है, ठीक है, तो ये अर्थ के कर्व से आपको क्या लग रहा है डायग्राम से कि मेरे शिप को ये लाइट हाउस दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे शिप की हाइट ये है और लाइट हाउस की हाइट ये है और ल्यूमिनस रेंज ये है, ये होने के बावजूद जो
लाइट का जो कर्व है उस सेक्टर में मेरा शिप अभी तक आया नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ द कर्व एंड हाइट ऑफ शिप, हाइट ऑफ लाइट. अगर लाइट हाउस का हाइट ज्यादा होता तो शायद मुझे वो लाइट दिखाई देती, या मेरे शिप का हाइट अगर ज्यादा होता तो मुझे वो लाइट दिखाई दे सकती थी, या कर्व अगर कम होता तो भी मुझे वो लाइट दिखाई दे सकती थी, ठीक है. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ल्यूमिनस रेंज अगर ज्यादा भी है, ल्यूमिनस रेंज में मेरा शिप आ रहा है, लेकिन मेरा शिप ज्योग्राफिकल रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है. ज्योग्राफिकल रेंज मतलब ये लाइट के सेक्टर में मेरा शिप नहीं आ रहा है. तो मेरे शिप लाइट के सेक्टर में कहां पर आएगा? जब मेरा शिप इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ये पोजीशन नंबर वन, पोजीशन नंबर टू. जब मेरा शिप पोजीशन नंबर टू पे पहुंचेगा तभी मुझे वो लाइट दिखाई देगी, क्योंकि इस पोजीशन पे मेरा शिप ज्योग्राफिकल रेंज में आ रहा है, और ज्योग्राफिकल रेंज के साथ साथ वो ल्यूमिनस रेंज में भी आ रहा है, ठीक है. ल्यूमिनस रेंज और ज्योग्राफिकल रेंज दोनों मैच होने चाहिए, दोनों एक साथ में होने चाहिए, तभी मुझे वो लाइट दिखेगी. कभी कभी किस केस में क्या हो सकता है, ये अगर कर्व है, ये मेरा शिप है, ये लाइट हाउस है, लेकिन लाइट हाउस का ल्यूमिनस रेंज इतना ही है, ठीक है. अभी इस केस में क्या हो रहा है, मेरे शिप और लाइट हाउस की हाइट और कर्व इन सबको अगर देखेंगे तो मेरा शिप, माय शिप इज विद इन अ ज्योग्राफिकल रेंज, ठीक है. मेरी शिप जो है वो ज्योग्राफिकल रेंज में है, ये देखो, माय शिप इज विद इन अ ज्योग्राफिकल रेंज, लेकिन मेरी शिप ल्यूमिनस रेंज में नहीं है. अगर मेरी शिप ज्योग्राफिकल रेंज में है और ल्यूमिनस रेंज में नहीं है, तो ज्योग्राफिकल रेंज में होने के बाद मुझे एटलीस्ट दिन में वो स्ट्रक्चर दिखेगा विजुअली, ठीक है. लेकिन नाइट में मुझे वो लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं लाइट के जो सेक्टर है, लाइट का जो रेंज है, उस रेंज में मैं नहीं हूं, ठीक है. तो आपको ल्यूमिनस रेंज और ज्योग्राफिकल रेंज समझ में आ गया. ज्योग्राफिकल रेंज इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लाइट एंड हाइट ऑफ द शिप, ठीक है. मुझे ज्योग्राफिकल, ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए. यहां पर क्या हो रहा है कि मेरी शिप ल्यूमिनस रेंज में है लेकिन ज्योग्राफिकल रेंज में नहीं है, इसके लिए मुझे लाइट हाउस नहीं दिखेगा, ये फर्स्ट केस. सेकेंड केस में क्या हो रहा है, मेरी शिप ज्योग्राफिकल रेंज में है लेकिन ल्यूमिनस रेंज में नहीं है, तो मुझे लाइट हाउस का स्ट्रक्चर दिखेगा डे लाइट्स में, और नाइट में मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरी शिप लाइट के कवरेज में नहीं है, ठीक है. तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई, नॉमिनल रेंज, ल्यूमिनस रेंज और ज्योग्राफिकल रेंज, ठीक है दोस्तों. तो आपको एक चैप्टर समझ में आ गया, राइजिंग एंड डिपिंग, इसी को बोलते हैं. राइजिंग मतलब मुझे लाइट दिखना चालू हो गया, या डिपिंग मतलब मुझे लास्ट तक, लास्ट मुझे लाइट कभी दिखी थी. अगर मेरा शिप सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा शिप अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैक्सिमम मुझे लाइट कौन से रेंज तक दिखेगी, उसे बोलते हैं डिपिंग. राइजिंग मतलब मेरा शिप अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम लाइट कहां पर दिखेगी, कौन से टाइम पे दिखेगी, उसे बोलते हैं राइजिंग. तो राइजिंग एंड डिपिंग हो गया, ज्योग्राफिकल रेंज, ल्यूमिनस रेंज और नॉमिनल रेंज हो गया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए.